वाह शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लिमरुआ जिला मंडला पीटीआई बोल रही हूँ और आज आपके सामने मैं बच्चों को कबड्डी के कुछ स्किल बताने जा रही हूँ जिसमें ये बच्चे जो है इसमें कबड्डी में सेवन टोटल 10 खिलाड़ी होते हैं और 7 प्लेयर अंदर होते हैं, 3 अतिरिक्त होते हैं। तो जो 7 बच्चे हैं जो हमारे ये अंदर खेलते हैं, इनकी पोजीशन होती है दोनों कॉर्नर और सेंटर में। तो आप देखिए जो कॉर्नर का काम होता है वो सेंटर और कॉर्नर इनको एक साथ ही निकलना होता है। तो आप देखिए पहले हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कराएंगे, जो खेल खेलने से पहले हम कुछ व्यायाम करते हैं ताकि खेल के दौरान हमें जो चोट लग जाती है तो वो ना लगे। क्या होता है कि अगर बॉडी हमारी वार्म अप नहीं कर होती है तो हमें चोट लगने की संभावना होती है, और अगर हम एक्सरसाइज प्रॉपरली करके गेम को खेलते हैं, किसी भी गेम को खेलते हैं, तो हमें चोट लगने की संभावना होती है और हमारा परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है, जिसमें हमको हमारे जो स्टेप हैं वो अच्छे हो जाते हैं दोनों। तो इसके लिए अपन कुछ एक्सरसाइज करते हैं, वो देखिए आप लोग। रनिंग हल्की धीरे डाउन अंदर आ जाना। चलो अंदर जाओ, वहां जाओ, अपनी अपनी पोजीशन, अपनी अपनी पोजीशन। ये प्लेयर इसमें 7 प्लेयर होते हैं इन, लेकिन क्या है कि हमारे पास 6 ही बच्चे हैं। तो ये अपनी प्रॉपर पोजीशन में है, सेंटर में 3 प्लेयर होते हैं और दोनों कॉर्नर में 2-2 प्लेयर होते हैं, लेफ्ट और राइट में। तो ये हमारे सेंटर में लेकिन 2 ही प्लेयर अभी खेलेंगे। और खेल के बाद भी कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है जो कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन खेल के दौरान अधिक तेज हो जाता है, तो उसको सामान्य अवस्था में करने के लिए